मैं आपको अगर लाइट ऑन करके और दिखा देता हूँ फटाफट कि आपको लाइट का थ्रू कैसा देखने के लिए मिलता है हैज़र्ड लाइट के साथ। कनेक्टिंग आपकी डीआरएल चालू हुई है, इंडिकेटर लाइट ऐसे कुछ देखने मिलते हैं हैज़र्ड लाइट के साथ। तो कार का रियर से ऐसा कुछ लुक देखने के लिए मिल जाता है। इधर चलते हैं तो यहाँ मिलता है 50 लीटर का पेट्रोल। राम राम सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है ऑल न्यू ह्युंडई की क्रेटा। इसके वेरिएंट की बात करें तो ये एस वाला है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर और डीजल के अंदर। कार के अंदर आपको 6 डिफरेंट कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। आज जो मेरे साथ इसका वाइट कलर है। कार के साथ मिलती है आपको 2 रिमोट कंट्रोल की। इसके अंदर आपको फ्लिप की मिल जाती है। इसके अंदर मिलता है लॉक अनलॉक। लॉक अनलॉक पे ऐसा कुछ साउंड करेगी। अगर चाहें तो आप इसको बंद करना, तो आप दोनों बटन को एक साथ दबाइए, ये साउंड आपका बंद हो जाएगा। यहाँ पे मिलता है इसको होल्ड करके रख के आपको बूट एक्सेस करने के लिए। और इस साइड मिलता है आपको क्रोम देखने के लिए चाबी के अंदर ही। बात करें फ्रंट से तो यहाँ मिल जाती है आपको कनेक्टिंग DRL जो आपको LED मिलती है, और जो आपकी इसके अंदर इंडिकेटर लाइट है ये भी आपको LED देखने मिलती है फ्रंट के अंदर। नीचे साइड में मिलता है आपको रिफ्लेक्टर बेस LED सेटअप हाई और लो बीम के लिए। नीचे साइड में स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश में देखने मिलती है। नंबर प्लेट की रिप्लेसमेंट यहाँ मिलती है, और जो हुंडई के लोगो ये आपको सिल्वर फिनिश के अंदर देखने को मिलता है। ग्रिल आपको इसके अंदर ग्लॉस ब्लैक के अंदर देखने को मिलती है। हुड पे कुछ ऐसी डिज़ाइन देखने के लिए मिलती है। मैं इसके आपको वाइपर की क्वालिटी भी चेक करा देता हूँ। तो वाइपर की क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की देखने मिलती है कंपनी से ही। और ये कार की साइड प्रोफाइल, अगर आप डोर ओपन नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वापस लॉक हो जाएगी कुछ सेकंड के बाद। 190mm का यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। साइड क्लीडिंग देख सकते हैं, मैट फिनिशिंग मिलती है। और यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वहाँ पे आपको सिल्वर टच देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर के अंदर डिस्क ब्रेक है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 205/65/8/16 16 इंच का आपको स्टील रिम देखने मिलता है। बट ये जो व्हील कवर है ये एलो व्हील की डिज़ाइन देखने के लिए मिलती है। दूर से देखेंगे तो आपको एलो ही लगने वाला है। तो टायर प्रोफाइल कुछ ऐसे देखने मिलती है ट्यूबलेस टायर के साथ में। इसके ORVM है, ये आपको बॉडी कलर देखने मिलते हैं। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल देखने मिलते हैं। ये आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट मिलते हैं, फोल्ड के लिए नहीं मिलते हैं। फोल्ड आपको ऐसे मैनुअल करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके अंदर पियानो ब्लैक देखने मिलता है बी पिलर पे। ऊपर साइड में यहाँ पे आपको रूफ रेल मिल जाती है। शार्पिन एंटीना ग्लॉस ब्लैक के अंदर देखने मिलता है। और यहाँ पे आपको मिलते हैं सिल्वर टच। पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको कनेक्टिंग इसकी टेल लाइट देखने को मिलती है। इंडिकेटर लाइट भी आपको इसके अंदर LED मिलती है। रिवर्स लाइट जो है यहाँ देखने मिलती है हैलोजन सेटअप के अंदर। ओवरऑल बैक से ऐसा कुछ लुक, यहाँ डिफोगर मिल जाता है आपको। ऊपर साइड में हाई स्टॉप लैंप मिल जाता है। इसके अंदर पीछे की साइड में आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। क्रेटा यहाँ लिखा हुआ मिल जाता है आपको। नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर यहाँ देखने मिलते हैं 2। और पीछे वाली स्किड प्लेट भी आपको इसके अंदर सिल्वर फिनिश में मिलती है। कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलती है। हुंडई का लोगो आपको अंदर देखने मिलता है सिल्वर फिनिश के अंदर। कार को अनलॉक करता है और यहाँ आपको वाइपर भी मिल जाता है। तो बूट ओपन होने के बाद देख सकते हैं 433 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस मिलता है। एडिशनल यहाँ पे आपको हैलोजन सेटअप में लाइट मिल जाती है। 60-40 का स्प्लिट देखने को मिलता है। इसका स्पेयर व्हील दिखा देता हूँ, वो आपको नीचे देखने के लिए मिलता है। और इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये आपको सेम टायर प्रोफाइल के साथ मिलता है। स्टील रिम के अंदर यहाँ पाने वाने देखने के लिए मिलते हैं। ये पूरा इससे पैक मिल जाता है। यहाँ पे आपको पूरा पैक देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है जिससे आप बंद कर सकते हैं। और नंबर प्लेट की लाइट है ये आपको हैलोजन सेटअप में मिलती है। पीछे वाला डोर जो है ये आपका इतना वाइड ओपन हो जाएगा, और फ्रंट वाला आपका इतना वाइड ओपन हो जाएगा। यहाँ मिलता है आपको इंटीरियर ड्यूल टोन में ब्लैक एंड ग्रे के अंदर। और यहाँ मिलता है हार्ड प्लास्टिक, यहाँ हार्ड प्लास्टिक मिलता है। इस पर आपको रबड़ी ग्रिप देखने के लिए मिलती है छोटी सी, मतलब छोटी सी इन द सेंस यहाँ यहाँ पार्ट में मिलती है, बाकी यहाँ पे पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। यहाँ 1 लीटर की बोतल के लिए स्पेस है, 0.5 लीटर के लिए स्पेस है। यहाँ ट्विटर की प्लेसमेंट, सॉरी यहाँ मिलती है स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ मिलती है ट्विटर की प्लेसमेंट, यहाँ मिलते हैं आपको कंट्रोल विंडोज़ के लिए। ये सारे आपको नॉर्मल मिलते हैं, कोई अप के लिए नहीं मिलता, कोई डाउन के लिए नहीं मिलता। पीछे वाले विंडो को लॉक करने के लिए, कार को लॉक और अनलॉक के लिए मिलता है। इलेक्ट्रिक एडजस्ट के लिए मिलता है। सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ डोर हैंडल देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए यहाँ मिल जाता है। यहाँ मिलता है आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन, ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए, लाइट के लेवल सेट करने के लिए, हुड ओपन करने के लिए यहाँ है। फ्यूज़ बॉक्स यहाँ है, यहाँ फिजिकल की आपकी लगती है कार की। और सीटें जो हैं ये फैब्रिक देखने मिलती है। सीट की बात करें तो ये मिलती है आपको अप के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, रिक्लाइन के लिए, आगे पीछे यानी, और सीट को पूरा पीछे और आगे करने के लिए मिलता है। यहाँ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तो ये वाली सीट आपको 8-way एडजस्ट मिलती है मैनुअल के अंदर। को पैसेंजर वाली आपको 6-way एडजस्ट मिलती है। सीटें दिखा देता हूँ मैं फैब्रिक वाली, कुछ इस टाइप से देखने मिलती। मटेरियल जो है काफ़ी अच्छा यूज़ करा गया इसके अंदर। अब कार के केबिन के अंदर बैठते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो ये है ऑल न्यू ह्युंडई क्रेटा। इसकी वेरिएंट की बात करें तो एस वाला वेरिएंट है पेट्रोल के अंदर, साथ साथ मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। कार के अंदर आपको 7 डिफरेंट कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। आज जो मेरे साथ इसका वाइट कलर है। कार के साथ में ऐसी आपको 2 फ्लिप की देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर आपको लॉक अनलॉक
और होल्ड कर रखेंगे तो आप बूट एक्सेस कर सकते हैं। साथ साथ लॉक अनलॉक पे इसके मिरर फोल्ड भी हो जाते हैं और अनफोल्ड भी हो जाते हैं, और चाहे तो इस साउंड को आप बंद भी कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ फटाफट से कैसे करना है। दोनों बटन को आपको एक साथ दबाना है, कुछ सेकंड के बाद आपकी जो लाइट है, जो आपकी इंडिकेटर लाइट है, कुछ इस टाइप से ब्लिंक करेगी और देख सकते हैं अब इसका साउंड जो है ये मैंने ऑफ हो गया इसका। अब बात करें इसके फ्रंट से तो यहाँ मिल जाती है आपको कनेक्टिंग इसकी DRL, इंडिकेटर लाइट जो है ये भी आपको LED देखने को मिलती है, कार की ग्रिल देख सकते हैं ऐसे कुछ देखने मिलती है, हुंडई का लोगो यहाँ पे इसके अंदर आपको डार्क ये ब्लैक कलर का यूज़ करा गया ग्रिल के अंदर, जो आपको देख सकते हैं कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलती है। नंबर प्लेट के लिए यहाँ प्लेसमेंट मिलती है, स्किट प्लेट देख सकते हैं सिल्वर फिनिश में देखने मिलती है, यहाँ नंबर इसके अंदर टोइंग हुक के लिए देखने मिलता है। मेन लाइट की बात करें तो ये मिल जाती है आपको LED हाई और लो बीम के लिए वाइट लाइट के साथ में। ओवरऑल कार का फ्रंट से सब कुछ लुक, हुड पे ऐसे कुछ डिज़ाइन, विंडशील्ड एरिया देख सकते हैं। इधर चलते हैं तो यहाँ मिलते हैं 205/65R16 16 इंच का इस टाइप का आपको व्हील कवर देखने को मिलता है। ये एलो व्हील नहीं है, व्हील कवर है स्टील रिम के ऊपर। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर के अंदर डिस्क ब्रेक, 190mm का ग्राउंड क्लियरेंस, साइड क्लियरिंग देख सकते हैं मैट फिनिश में, पीछे के साइड में जो आपके ग्राउंड क्लियरेंस है वहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिलती है। मिरर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोल्ड हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्ट हो जाते हैं, टर्न इंडिकेटर लाइट यहाँ देखने के लिए मिलती है, यहाँ आपको इसके अंदर ग्लॉस ब्लैक के अंदर देखने मिलता है, रूफ रेल देखने की मिलती है, विंडोज़ एरिया देख सकते हैं आपको यूज मिल जाते हैं, बॉडी कलर आपको डोर हैंडल देखने के लिए मिलते हैं फ्रंट में भी और इधर भी। यहाँ पे इसकी अगर बैटरी लो है तो यहाँ पे आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं कार को। फ्रंट डोर की बात करें तो अच्छा खासा ओपन हो जाता है, वैसे चढ़ने उतरने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट SUV है तो चढ़ने उतरने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। यहाँ पे फ्यूल टैंक के लिए मिल जाता है आपको ओपन करने के लिए। सीट को ऑल दो पूरा पीछे कर देते हैं तो कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने में मिलता है। यहाँ आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, इसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है वायरलेस के थ्रू, चाहे तो आप USB से भी चला सकते हैं। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है, FM मिल जाता है इसके अंदर। और बात करें तो कार के अंदर 4 स्पीकर, 2 आपको ट्विटर मिल जाते हैं। टच स्क्रीन यूज़ नहीं करनी तो एडिशनल आपको बटन दे रखे हैं, बटन से यूज़ कर सकते हैं ओल्ड स्कूल टाइप में। यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर मिल जाते हैं सारे ऑप्शन, क्लाइमेट के लिए देखने के लिए, साउंड के लिए, डिस्प्ले के अंदर, वाईफाई, जनरली सारी चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। डायरेक्ट आप होम पे जा सकते हैं। टच रिस्पॉन्स की बात करें तो ओके कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको इसके अंदर 2 स्क्रीन देखने मिलती है, एक और यहाँ पे डिजिटल क्लस्टर के लिए देखने के लिए मिलती है। नीचे आपको मैनुअल एडजस्टेबल AC देखने मिलता है, AC हीटर का दोनों काम करने वाला, बट ये आपको सारी चीज़ें मैनुअल करनी पड़ेगी, चाहे आपको कोई स्पीड बढ़ानी हो, टेम्परेचर सेट करना हो, या आपको पैर पे हवा, डिफोगर, ये सारी चीज़ें के लिए मैनुअल करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रंट के मिल जाती है सर्कुलेशन ऑन ऑफ करने के लिए, AC को ऑन करने के लिए मिलता है। नीचे साइड में 12 वोल्ट का चार्जर लगाने के लिए मिल जाएगा, Type-C Type-A मिल जाता है, Type-C वाला आपको फास्ट चार्जर के साथ मिलता है। इसके अंदर 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। रिवर्स कैमरे की क्वालिटी चेक करा देता हूँ तो क्वालिटी कुछ ऐसी देखने मिलती है, अडेप्टिव गाइडेंस के साथ में। इसके अंदर ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं आप सेटिंग्स के अंदर जाकर। और यहाँ पे इसके अंदर रिवर्स गियर जैसे एंगेज हुआ है तो वो देखने के लिए मिलता है। सेंसर कुछ ऐसे देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे साउंड करके साथ में। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक के लिए प्लेसमेंट मिलती है। यहाँ मिलता है आपको इसके अंदर आर्मरेस्ट, इसके अंदर कुछ ऐसा स्पेस मिलता है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच का यूज़ करा गया, ये स्लाइडेबल नहीं होता ना ही ये लॉक होता है। इधर मिलता है आपको ग्लव बॉक्स, ये कूल मिल जाता है, कार की फर्स्ट एड किट, मैनुअल डायरी के साथ में। यहाँ आपको रबड़ ग्रिप मिल जाती है, इस पर आप फोन रख सकते हैं। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक देखने के लिए मिलता है। कार के अंदर सेफ्टी वाइज फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग देखने मिलते हैं, ओवर स्पीड वार्निंग देखने मिलती है जो 80 पे 1 बीप करेगा, 120 पे कार कंटिन्यू बीप करेगी। सीट बेल्ट वार्निंग के लिए देखने मिलता है। इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है। पीछे साइड में तीनों पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट, यहाँ पे अनोट्स पॉइंट लगाने के लिए मिल जाता है आइसोफिक्स के साथ में। चाइल्ड के लॉक लगाने के मिल जाता है पीछे वाले डोर्स के अंदर। ABS मिलता है, ABD मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है और हिल कंट्रोल मिल जाता है। इस कार के अंदर ये सेफ्टी वाइज फीचर मिलते हैं ब्रेक असिस्ट के साथ में। और बात करें तो यहाँ पे एडिशनल आप सबवूफर फिट करवा सकते हैं कंपनी से, चाहे तो आफ्टर मार्केट करा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। स्टीयरिंग व्हील जो है आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिलती है, यहाँ हुंडई का लोगो मिलता है। यहाँ पर इंफोटेनमेंट के लिए कंट्रोल है, इधर आपको क्रूज कंट्रोल के लिए, फाइल के लिए मिल जाता है जो क्लस्टर के लिए मिलता है, ओके करके रीसेट कर सकते हैं, और यहाँ बैक के लिए मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाती है, DRL ऑन करनी है, हाई बीम ऑन करनी है या फिर ऑफ करनी है। हाई बीम के लिए और इंडिकेटर के लिए इधर है, फ्रंट के रियर वाइपर कंट्रोल इधर है। यहाँ पे आपको छोटी सी एक मैग्नेट मिल जाती है, अपनी फैमिली फ़ोटो लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, या फिर आपकी कोई डॉक्टर की होती है कि मैं दवाई लेना भूल जाता हूँ तो वो आपको रिमाइंड करने के लिए यहाँ पे आप लगा सकते हैं। शर्त यह है उसके अंदर भी मैग्नेट होना ज़रूरी है। क्लस्टर की बात करें तो इसके अंदर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी देखने मिल जाएगा, डोर कौन सा ओपन है उसके लिए वार्निंग देखने मिलती है, हैंड ब्रेक लगा रह जाता है उसके लिए वार्निंग देखने मिलती है, सीट बेल्ट वार्निंग या आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए देखने मिलता है, टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, एग्जिट किलोमीटर देखने मिलता है, अगर कार के अंदर कोई फॉल्ट आएगा तो ये सारी लाइट चालू हो जाएगी, इधर टेम्परेचर देखने मिलता है। यहाँ मिल जाता है इसके अंदर आपको
फ्यूल के लेवल देखने के लिए डिजिटल, और अगर एक सर्टन लेवल से कम होंगे तो यहाँ पे फ्यूल के लिए लाइट भी चालू हो जाएगी। क्लस्टर के अंदर फाइल के अंदर जाने के लिए मिलता है तो सिंस रिफ्यूलिंग मिलता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप के साथ में सिंस लास्ट रिसेट कितना करा था, आइडल स्टॉप के लिए यहाँ देखने मिलता है आपने कितनी देर चलाई है यानी, और यहाँ करंट ट्रिप देख सकते हैं। आगे चलेंगे तो यूज़र सेटिंग के आगे जाकर आप लाइट वाइट सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं डोर के लिए। यहाँ आगे चलेंगे तो यूरी लेवल देखने मिलता है क्योंकि डीजल कार है तो इसके अंदर एक लेवल सर्टन से कम हो जाएगा तो इसके लिए भी वार्निंग लाइट आ जाएगी। फ्रंट सीट को मैं ऑल द पूरा पीछे कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डेक पेडल मिल जाता है, यहाँ पे तीन पेडल मिल जाते हैं, तो नी रूम मुझे अच्छा खासा मिलता है, हेड रूम मुझे अच्छा खासा मिल जाता है। मेरी हाइट 5'11" है तो मैं सच कंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में आपको ग्रिप अच्छी खासी मिल जाती है, उसके अंदर साइड एयरबैग आपको सीट के अंदर देखने मिलते हैं, कर्टन्स वाले यहाँ मिलते हैं, फ्रंट के अंदर आपको दो मिल जाते हैं। तो फ्रंट सीट के अंदर काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, थाई सपोर्ट ये सब कुछ अच्छा मिल जाता है, ऐसे दिक्कत कोई नहीं है। कार को करते हैं ऑफ, जैसे आप ऑफ करेंगे तो इस टाइप का आपको साउंड मिलता है। मैं आपको एक बार लाइट ऑन करके और दिखा देता हूँ फटाफट कि आपको लाइट का थ्रू कैसा देखने के लिए मिलता है हैजर्ड लाइट के साथ में। ये कनेक्टिंग आपकी DRL चालू हो गई है, इंडिकेटर लाइट ऐसे कुछ देखने मिलते हैं हैजर्ड लाइट के साथ। ये लो बीम है अभी रिफ्लेक्टर बेस, हाई बीम भी मैं ऑन कर देता हूँ एक बार, और इंडिकेटर लाइट कुछ ऐसी देखने मिलती है जो आपको ORM पे मिलती है, तो हाई बीम कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है। तो फ्रंट से देख सकते हैं, नाइट के अंदर आपको दूर से कार चलेगी या फिर खुद आप खुद देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। पीछे साइड में आपको लाइट दिखा देता हूँ, पीछे वाली भी मैं, तो इसकी कनेक्टिंग टेल लाइट पीछे वाली कुछ ऐसे देखने के मिलती है आपको। पीछे वाले डोर पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है, 1 लीटर के लिए स्पेस मिल जाता है बोतल के लिए, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे आपको विंडशील्ड लगाने के लिए मिल जाता है कंपनी फिटेड, ये बोथ साइड मिलेगा आपको। यहाँ पे मिल जाता है आपको 2-वे एडजस्ट करने के लिए जो मैनुअल मिलता है, यहाँ से आप रिक्लाइन कर सकते हैं और थोड़ा सा आगे करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट एडजस्टेबल मिल जाता है फ्रंट के अंदर दोनों, यहाँ पे एडिशनल आपको लाइट मिल जाती है हैलोजन सेटअप में, और मैं फ्रंट में बताना भूल गया था, इधर आपको वेंटी मिरर मिल जाता है, और इधर मिल जाता है आपको टोल रिसीप्ट के लिए, यहाँ मिलता है आपको सनग्लास होल्डर, यहाँ मिल जाती है लाइट हैलोजन सेटअप में, एक चालू करना है वो या फिर दोनों चालू करनी है वो, और चाहे तो बंद कर सकते हैं चाहे तो डोर पे कर सकते हैं। यहाँ पे IRM की बात करें तो ये मैनुअल एडजस्टेबल मिल जाता है, इधर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, इधर भी मिल जाता है पीछे साइड में, और इधर भी देखने मिलता है, तो तीन आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। पीछे साइड में AC वेंट, दो आपको यहाँ पे फास्ट चार्जर के सी टाइप पोर्ट देखने मिलते हैं, स्पेस मिल जाता है फ़ोन रखने के लिए, छोटा सा हम्प मिलता है, आराम से आप 3 जने बैठ सकते हैं। मेरा फ़ोन अभी 2 बार हीट हो चुका है, बाहर का टेम्परेचर अभी 41 सेल्सियस है रात की 9:30 बजे भी। तो मेरी आप सभी से एक ही दरख्वास्त है, आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो ये मेरी छोटी सी आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ नी रूम अच्छा खासा मिल रहा है, थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है, सीट रिक्लाइन होने के बाद थोड़ी रिक्लाइन पोर्शन भी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, और ज़्यादा कंफर्टेबल चल सकते हैं। अगर कोई 5'11" हो या 6 फीट के हों तो आराम से 3 जने बैठ सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली उनको। इधर आपको मैगजीन होल्डर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो मेरा फ़ोन 2 बार हीट होने के कारण मुझे बार बार अपनी वीडियो पोस्ट करनी पड़ी है, तो आपने वो वीडियो में नोटिस भी करा होगा। तो बैक से तो मैंने लुक दिखाई दिया आपको, बट इसका जो फ्यूल टैंक है डीजल के अंदर वो आपको 50 लीटर का मिलता है। कार की साइड प्रोफाइल कुछ ऐसे देखने की मिलती है। इसके अंदर वारंटी पीरियड की बात करूँ तो 3 साल की आपको वारंटी मिल जाती है अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ में, अप टू चाहें तो आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक सजेशन रहेगा, क्योंकि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं वारंटी से रिलेटेड वो वीडियो, जिसके अंदर आपको पता पड़ जाएगा कि आपकी वारंटी के अंदर क्या क्या कवर होता है। तो आप वारंटी एक्सटेंड करवा लीजिए, या तो बाद में करवा लीजिए या पहले करवा सकते हैं। तो हुड ओपन करते हैं, फिर इसकी एक्चुअल प्राइस की बात करते हैं और इंजन की बात करते हैं। तो कार का हुड ओपन होने बाद देख सकते हैं इंजन भी ऐसा कुछ देखने मिलेगा, नीट एंड क्लीन। ऊपर साइड में आपको इंसुलेशन मिल जाता है। इसके इंजन की बात करें तो 1500 cc का इंजन मिलता है 4 सिलेंडर के साथ में। ये इंजन जो है डीजल वाला है, CRD वाला। इसकी पावर की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है 114 BHP, टॉर्क की बात करें तो 250 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फ्रंट व्हील ड्राइव मिल जाता है, BS6 फेस वाला इंजन है। इसके एवरेज की बात करें तो सिटी के अंदर आप 15 से 16 का निकाल लेंगे, मेनली आपके चलाने पर डिपेंड करेगा। हाईवे के अंदर आप 20+ का एवरेज निकाल सकते हैं, अगर आपकी स्पीड 100 से नीचे रही या फिर 100 से अबाव नहीं गई तो, ये आपके चलाने पर डिपेंड करेगा, मैं अभी भी इसके अंदर बता रहा हूँ। हुड बंद करते हैं, फिर कार की एक्चुअल प्राइस की बात करते हैं। ऑल न्यू हुंडई की क्रेटा एस वाले वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन और डीजल के अंदर इसकी एक्चुअल प्राइस मिलती है आपको 14,99,990 रुपीज़ एक्शोरूम उदयपुर राजस्थान के अंदर। यहाँ मिल जाता है आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए ऑन ऑफ करने के लिए, ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए, लाइट के लेवल सेट करने के लिए। यहाँ पे मिलता है एक छोटी सी मैग्नेट, ये मैग्नेट आपकी क्या काम आएगी, इनकेस आपकी फैमिली फोटो लगानी है आपको,
या फिर आप दवाई लेना भूल जाते हैं तो यहाँ पे एक रिमाइंडर के लिए एक स्टिकर टाइप में आप लगा सकते हैं, पर ये शर्त ये है उसके अंदर भी छोटी सी एक मैग्नेट होनी चाहिए, जब ही जाके वो यहाँ चिपकेगा। इसके अंदर आपको 6 स्पीकर मिल जाता है, ट्विटरी प्लेसमेंट यहाँ मिलती है, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ मिलती है, 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा गया, इंटीरियर ड्यूल टोन मिलता है ब्लैक एंड बेज के अंदर, यहाँ पे विंडो से कंट्रोल मिल जाते हैं पीछे वाली विंडो को लॉक करने के लिए, कार को लॉक अनलॉक के लिए मिल जाता है और इलेक्ट्रिक एडजस्ट करने के लिए। एक चीज़ मेरी गलती हो गई है, ये खाली आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट मिलते हैं, इलेक्ट्रिक फोल्ड नहीं मिलते हैं, जल्दी जल्दी मैंने बता दिया कि फोल्ड होते हैं, फोल्ड नहीं होते हैं। यहाँ पे मिल जाता है आपको डिजिटल क्लस्टर, इधर मिल जाता है 18 इंच का टच स्क्रीन, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ मिलता है एक आपको एडिशनल सबवूफर लगाने के लिए स्पेस दे रखा है, चाहे तो आफ्टर मार्केट चाहे तो हुंडई से लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे रबड़ ग्रिप मिलती है, उधर एसी वेंट्स के लिए मिलता है, यहाँ मिलता है इसका ग्लव बॉक्स जो आपको कूल के साथ मिल जाता है, फर्स्ट एड किट, कार की मैनुअल डायरी के साथ में, यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट कंट्रोल, 12 वोल्ट का चार्जर लगाने के लिए मिलता है टाइप ए टाइप सी, यहाँ पे स्पेस, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, कैमरे का भी ये सब आगे दिखाऊंगा, 2 आपको कप होल्डर, आर्म रेस्ट मिल जाता है डीप स्पेस के साथ में, सीटें जो है इस टाइप की फैब्रिक देखने मिलती है, ये आपको 6 वे एडजस्ट मिलती है, मेरी साइड वाली आपको 8 वे एडजस्ट मिल जाएगी, ड्राइवर साइड वाली दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल के साथ में, इधर मिल जाता है आपको वेंटर मिरर, इधर मिल जाती है आपको 2 लाइट हेलोजन सेटअप साथ में, डोर पे करना चाहे वो कर सकते हैं, यहाँ मिल जाता है एक सनग्लास होल्डर, ORM जो है ये आपको मैनुअल एडजस्टेबल मिलता है आपको, इधर मिलता है टोल रिसीव के लिए। अब बात करें स्टेयरिंग व्हील पे ऐसा कुछ रबड़ की ग्रिप मिलती है आपको, सिल्वर फिनिश फ्लैट मिलता है, नीचे से हुंडई का लोगो यहाँ देखने मिलता है, यहाँ इसके अंदर क्रूज कंट्रोल, आपके MID क्लस्टर के लिए बटन्स, यहाँ पे आपके इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, वॉइस कमांड के लिए, मोड चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे एप्पल कार प्ले से डायरेक्ट आपको FM चलाना वो, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ मिल जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम कम ज़्यादा चेंज करने फेवरेट करने के लिए, फ़ोन उठाने काटने, ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाती है, इधर फ्रंट और रियर के वाइपर कंट्रोल मिल जाते हैं। अब इसका इग्निशन ऑन करके सुनाता हूँ इंजन का साउंड कैसा क्या आता है फटाफट से। तो इंजन मैंने स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही साइलेंट इंजन है पेट्रोल के साथ में। अब यहाँ क्या क्या ऑफर करा जाता है उसके बारे में बात करते हैं, इसको करते हैं एक बार ऑफ और एक बार वापस ऑन कर देते हैं। तो जैसे ऑन करेंगे तो ऐसा कुछ साउंड आएगा कुछ देर तक, और हुंडई क्रेटा बनी हुई आएगी आपकी, लो फ्यूल वार्निंग दिखा रही है ये। और स्टेयरिंग की बात करें, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है, स्टेयरिंग काफ़ी हैवी है, यहाँ पे लीवर दे रखा है, प्रॉपर डेट पेडल दे रखा है 3 पेडल के साथ में, 8 इंच का टच स्क्रीन जिसके अंदर एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, USB ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में, FM रेडियो सब कुछ मिल जाता है। टच रिस्पॉन्स की बात करें तो डिसेंट मिल जाता है इस अमाउंट के अंदर आपको, जिसके अंदर आप डिस्प्ले फोटो लगाना चाहे, क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ देखना चाहे वो सारी चीज़ें कर सकती है, कनेक्टिविटी करना चाहे डायरेक्ट होम पे जाना चाहे ये यूज़ नहीं करना, एडिशनल आपको बटन्स प्रोवाइड कराए गए, ये और अच्छी बात है, बटन्स यूज़ कर सकते हैं ये और अच्छी बात है। यहाँ मिलता है आपको टायर प्रेशर मॉनिटर के लिए, और देखें तो इधर जा सकते हैं आप करंट ट्रिप पे जाएंगे, यहाँ पे सिंस रिफ्यूलिंग देख सकते हैं, सिंस लास्ट रीसेट, ऑटो आइडल स्टार्ट पे कितना सेव करा है वो देखने को मिलता है, यूज़र सेटिंग इन द ड्राइवर असिस्ट क्लस्टर, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, टायर प्रेशर तो ये आ ही जाएगा, आइडल स्टार्ट के लिए यहाँ पे बटन आएगा बना हुआ, जैसे आप इसको ऑन ऑफ करेंगे, मैं ऑफ कर देता हूँ और ऑन कर देता हूँ तो यहाँ आ जाएगा, उसके जस्ट नीचे टेम्परेचर, किलोमीटर, 5 पैसेंजर सीट बेल्ट, यहाँ पे अगर बैटरी डेड हो जाए या फिर कुछ इसके अंदर फॉल्ट आ जाए तो यहाँ आ जाएगा, ऑयल वॉयल सारी चीज़ें, इधर मिलता है RPM, इधर मिलता है आपको डिजिटल स्पीड, यहाँ पे आपको फ्यूल लेवल डिजिटल, आपको टेम्परेचर डिजिटल, सारी चीज़ें डिजिटल, यहाँ पे डिस्टेंस टू MT, तो क्लस्टर फुल्ली डिजिटल मिलता है, अच्छी बात है। इसके अंदर ये चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, इस प्राइस पॉइंट के अंदर आप डिजिटल क्लस्टर मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब बात करें इसके रिवर्स कैमरे की क्वालिटी की, तो ऐसे कुछ क्वालिटी मिल जाती है कैमरे की, एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ में, और देख सकते हैं क्रेटा यहाँ पे आएगी जैसे बिल्कुल पास में खड़ी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ साउंड आएगा आपके इसके अंदर रिवर्स कैमरे के साथ में और रिवर्स सेंसर के साथ में। यहाँ मैट फिनिश मिल जाता है आपको ओवरऑल, यहाँ पे गेयरबॉक्स पे लेदर का यूज़ कराया गया है। फ्रंट सीट को फटाफट एडजस्ट करते हैं, नी रूम अच्छा खासा, हेड रूम अच्छा खासा, क्योंकि सीट अपराइट है, उसके बाद भी हेड रूम मुझे अच्छा कर मिल रहा है, प्रॉपर SUV वाली फील आएगी क्योंकि हुड काफ़ी अपराइट है, तो आपको चलाते वक्त एकदम पोजिशन फील होने वाला अच्छा खासा। तो इसकी लास्ट रो के अंदर बैठ चुका हूँ, नी रूम अच्छा खासा है, हेड रूम अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट अच्छा खासा है, मेरी हाइट 5'11" उस हिसाब से मैंने इसको पोजीशन पर सेट कर रखा है, अगर इसको पीछे भी कर देता हूँ तो भी देख सकते हैं स्पेस मुझे अच्छा खासा मिल जाता है, ना के बराबर इसके अंदर हम्प है, 2 आपको टाइप सी मिल जाते हैं फास्ट चार्जर के साथ में, AC वेंट के साथ में, या फ़ोन रखने के लिए मिल जाता है, फ्रंट वाली सीट जो बेल्ट है ये आपको एडजस्टेबल मिल जाती है। इस कार के अंदर सेफ्टी वाइज फीचर्स की बात करें तो S वाले वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाता है 6 एयरबैग, S स्टैंडर्ड, ABS मिलता है, EBD मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, हील्ड होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, साथ ही साथ 5 पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट, ओवर स्पीड आपको वार्निंग देखने मिल जाए 1 बीप करता है 80 पे, 120 पे कार कंटिन्यू बीप करने वाली, ये चीज़ और अच्छी बात है। पीछे साइड में चाइल्ड सीट के लिए मिल जाता है नॉच पॉइंट,
और बात करें तो यहाँ मिल जाता है एक आर्मरेस्ट जिसके अंदर दो कप होल्डर मिलते हैं। मैं इसको भी खोल के दिखा देता हूँ फटाफट से आपको कैसा क्या दिखता है। ये सीटें पीछे वाली भी आपको फैब्रिक देखने के लिए मिल जाती है, पीछे वाले जो हेडरेस्ट है ये भी आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं दो, और तीनों पैसेंजर के लिए पीछे साइड में यहाँ पे सीट बेल्ट भी देखने के लिए मिल जाती है। और कप होल्डर देख सकते हैं इसके अंदर दो मिल जाते हैं कुछ इस टाइप से, और इसके अंदर 60-40 करने का स्प्लिट मिल जाता है। पीछे की साइड में पार्शल ट्रे मिल जाती है आपको, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ आपको लाइट मिल जाती है हैलोजन सेटअप के साथ में, इधर भी ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड लगाने के लिए मिल जाता है दोनों साइड में, एक इधर मिल जाता है और एक इधर मिल जाता है। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे सिल्वर फिनिश, विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, 1 लीटर की बोतल इसमें भी रख सकते हैं। कार में चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उतर सकते हैं, आराम से चढ़ सकते हैं। पीछे की साइड में देख सकते हैं डिस्क ब्रेक दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश, रूफ रेल ऐसे कुछ, यहाँ छोटा सा स्पॉइलर मिलेगा, यहाँ आई स्टॉप लैम्प मिल जाता है, डिफोगर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है। पीछे साइड में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे और साथ साथ कैमरा जो है आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। नंबर प्लेट के लिए यहाँ प्लेसमेंट मिल जाती है। रियर टेल लाइट जो है ये आपको LED मिलने वाली है इंडिकेटर लाइट के साथ में, जो इसकी रिवर्स लाइट है वो यहाँ मिलती है हैलोजन सेटअप के साथ मिलती है। 4 पार्किंग सेंसर यहाँ देखने मिलते हैं, यहाँ नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। इसका बूट एक्सेस करना है तो नीचे साइड में बटन दे रखा है, अब बस ये अड़े नहीं अड़ेगा, इसको थोड़ा आगे लेके मैं बताता हूँ इसको फटाफट से। कार बहुत ज़्यादा टाइट पार्किंग में थी तो मैंने इसको आगे कर लिया है। यहाँ पे आपको क्रेटा लिखा हुआ मिल जाता है, सिल्वर फिनिश में हुंडई का लोगो आपको अंदर देखने के लिए मिलता है। कैमरा दिखा देता हूँ कहाँ है, यहाँ प्लेस है। तो 433 लीटर का यहाँ बूट स्पेस मिल जाता है, ये एक एसेसरी पार्ट है आप लगवा सकते हैं, आप पे डिपेंड चाहे तो कंपनी से या बाहर से। यहाँ पे मिल जाता है आपको स्टील रिम, इसकी टायर प्रोफाइल मिलती है 205/65/8/16 इंच का आपको स्टील रिम मिलता है। यहाँ हुक मिल जाता है, पार्शियल ट्रे, एक्स्ट्रा में लाइट मिल जाती है, हैलोजन सेटअप साथ में, 60-40 का स्प्लिट, यहाँ पूरा पैक मिलता है। यहाँ पे इसके अंदर हैंडल दे रखा है जिससे आप इसको करके बंद कर सकते हैं। तो कार का रियर से ऐसा कुछ लुक देखने के लिए मिल जाता है। इधर चलते हैं तो यहाँ मिलता है 50 लीटर का पेट्रोल का टैंक। ओवरऑल कार की साइड प्रोफाइल, इस वेरिएंट की अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो 3 साल की आपको वारंटी मिलती है अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ में। ओवरऑल ऊपर से रूफ ऐसे कुछ देखने के लिए मिलती है। हुड ओपन करते हैं फिर गाड़ी के इंजन की बात करते हैं। तो कार का हुड ओपन होने बात देख सकते हैं, इंजन भी कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। यहाँ आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करा गया। इस इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर वाला पेट्रोल वाला इंजन मिल जाता है 4 सिलेंडर के साथ में। इंजन जो है BS6 Phase 2 वाला, साथ साथ फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में, जो पावर प्रोड्यूस करता है 113 BHP। टॉर्क की बात करें तो 143.8 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगर इसकी एवरेज की बात करें तो सिटी के अंदर आप नॉर्मल चलाएंगे तो इसका एवरेज आप निकाल लेंगे 14 से 15 का, और हाईवे पर चलाएंगे तो आपको ये 18+ का एवरेज दे देगी। मेनली आप चलाने पर डिपेंड करेगा। ओवरऑल इंजन में कुछ ऐसा देखने मिलता है, नीट एंड क्लीन। हुड को बंद करते हैं फिर कार की एक शोरूम प्राइस की बात करते हैं। तो Hyundai क्रेटा 2024 S वाले वेरिएंट की पेट्रोल के साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, इसकी एक शोरूम प्राइस मिलती है आपको 13,39,200 रुपीज़ एक शोरूम जयपुर राजस्थान के अंदर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।